सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भर्ती और सीईटी में देरी के विरोध में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। वापस लौट रहे विद्यार्थी जब छोटूराम चौक पर पहुंचे तो डीएसपी ने उन्हें साउंड सिस्टम को बंद करने के लिए कहा। इसी कहासुनी में पुलिसकर्मियों ने लैपटॉप छीनकर साउंड सिस्टम को बंद कर दिया और उनका कुछ सामान भी रख लिया, जिससे गुस्साए विद्यार्थियों ने डीएसपी वीरेंद्र की गाड़ी का घेराव कर जाम लगा दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे परिमल कुमार ने बताया कि वो भर्तियों और सीईटी में देरी के विरोध में प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक वापस लौट रहे थे। रास्ते में डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की भी की। पुलिस अधिकारी ने काफिले के साथ चल रहे साउंड सिस्टम के माइक को तोड़ दिया और उनका लैपटॉप छीन लिया गया और उसे तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में विद्यार्थियों ने जाम लगा दिया। परिमल कुमार ने बताया कि उनका मकसद सरकार और मुख्यमंत्री का ध्यान उन मुद्दों पर दिलाना है जिसके कारण न केवल शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ज्ञापन सौंपने के बाद सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक वापस लौट रहे थे। विद्यार्थियों का काफिला जब छोटूराम चौक के पास पहुंचा था तो डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने काफिले को रुकवाकर साउंड सिस्टम को बंद करने को कहा, जिस पर पुलिस और विद्यार्थियों के बीच बहस शुरू हो गई और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने लैपटॉप और दूसरा सामान वापस किया तो मामला शांत हुआ और विद्यार्थी वापस चले गए। बहरहाल इस पूरे मामले पर डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ये लोग उपायुक्त कार्यालय में सीटीएम को ज्ञापन देकर वापस लौट रहे थे। गोहाना रोड से गुजरने के बाद बहुत तेज आवाज में इन्होंने डीजे को बजाया हुआ था। जब पुलिस ने इनको डीजे रोकने के लिए कहा तो यहां ये लोग नहीं माने, जबकि डीजे की अप्रूवल भी इन्होंने नहीं ली थी। अब नियमानुसार पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वीटिया। हम लघु सचिवालय से प्रदर्शन करके आ रहे थे शांतिपूर्वक। एक एसएचओ की गाड़ी आई और उसमें तीन पुलिस वाले थे, मतलब तीन स्टार थे, मतलब तीनों ही एसपीडी एसपी जो भी है, हमें नहीं पता कौन थे। और उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे जो कि डीजे था इसके आगे आके और खिड़की खोली, गुस्से में आके खिड़की खोली और सबसे पहले लैपटॉप पे ऐसे गुस्से से हाथ मारा और फिर बार बार फेंके, लैपटॉप को तोड़ा और तीन लड़कों को गाली दी, मुझे धक्का दिया और फिर आगे जब सर आए सर से बोले पीछे हट जाओ, मैडम के साथ धक्का मुक्की की उन्होंने। हम ये मांग करते हैं या तो उनको सस्पेंस किया जाए सीधा का सीधा, या फिर उनको ये बोलो कि हमारा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करे। सरकार से हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करने के लिए, सीईटी का एग्जाम देने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वापिस से पुलिस की गाड़ी आई, इसमें डीएसपी साहब थे, इन्होंने धक्का मुक्की करी, गाली गलौज करी, मैडम को धक्का मारा, हमारा सामान छीन लिया, लैपटॉप तोड़ दिया। क्या नाम है डीएसपी का? जो नहीं, डीएसपी का वीरेंद्र सिंह। अच्छा सर, मैंने सुना कि लैपटॉप भी तोड़ा गया है। लैपटॉप भी तोड़ा गया और एक सामान और हमारा जो जो रिसीवर था वो भी तोड़ दिया गया है। तो ये ताना सही तार भी तोड़ दिए गए हैं। तो ये भी मारा एक दो बच्चे को, चोट भी लगी किसी को? चोट भी लगी है? चोट नहीं लगी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे तब ये सब चीजें की। हम लोगों को लड़कियों को गाली दिया सर, ये देखिए पूरा मसला है भाई, ये पूरा मसला जो है, हम लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आए थे हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करवाने के लिए, सीईटी का एग्जाम उसकी डेट करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आए। हमने धरना दिया, हमने ज्ञापन दिया, वापिस आ रहे थे, बीच में पुलिस ने आया और आकर के जो हमारा लैपटॉप तोड़ दिया, हमारा रिसीवर तोड़ दिया, हमारे तार तोड़ दिए, ड्राइवर को धक्का मारा, दो तीन लड़कों को चांटे मारे, मैडम को और मुझे धक्का दिया और इस प्रकार से बदतमीजी से यहाँ पर बात करी, गाली दी बच्चों को और बच्चों को धमकिया भी दी। अब क्या चाहते हो? एक्शन जो है, अगर जो माफी मांगेंगे तो हम जो कर जाएंगे, अगर जो ये माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हम सस्पेंशन कर देंगे, धरना देंगे। ये कोई परिमल है कोचिंग सेंटर चलाता है, 300 बच्चों को लेकर ज्ञापन देने गया था, फिर वहाँ पे किसी अधिकारी कर्मचारी वगैरह भी हड़ताल लगा रहे हैं, फिर उनके साथ मिल गया। फिर ये सीटीएम मैडम आई थी, इसे ज्ञापन पे ले लिया था उन्होंने। वापस जाने लगे तो वापस इन्होंने बहुत तेज आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया। चल पड़े मैं और एसएचओ सिटी, हमने दोनों ने सिर्फ यही कहा था इनसे कि इस तरह से आप सड़क पे इतना हंगामा ना करें, शांति से चले। इन्होंने गाने बड़े बजाने बंद नहीं किए, तो हमारा बार बार कहने पर ये तो बंद करना पड़ेगा आपने, मैंने अपनी गाड़ी इसकी गाड़ी के आगे लगाई जिस पर डीजे था, कि आप इस डीजे को बंद कीजिए या फिर प्रशासन से परमिशन लीजिए।
उसमें स्टूडेंट्स तो मान भी जाते हैं, लेकिन इस परिमल ने उस स्टूडेंट्स को भड़का दिया, इस परिमल ने उनको भड़का दिया कि डीएसपी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के, अभी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी। आपके गाड़ी रोकी गई, किसी ने परिमल के कहने पे ही सारे स्टूडेंट्स गाड़ी के आगे भड़का दिया।